कुर्ता धोती पहले करेंगे, आज तो भी नहीं हूँ। वेलकम बैक राजपूत फैमिली व्लॉग। तो आज ऐसा डिश क्रिया बनाई थी घंटा इसको कुछ बनाने नहीं आता पहली बात, इसको कुछ भी बनाने नहीं आता। और बनाएंगे चिकन। ये मत कमेंट करना क्यों खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो, बस जो खाते हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। और हम चिकन को कैसे बनाते हैं और क्या आप लोग क्या सेम स्टाइल में बनाते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने मेरा चिकन 1.5 किलो से ऊपर है, तो मैंने ये कुछ प्याज लिए हैं और इसको पहले मैं बहुत आँख में जल रहा प्याज, तो सारे प्याज को मैं छिल के पहले पानी में डाल दूँगी। मैंने सारे प्याज को ऐसे छिल के और मैंने पानी में डाल दिया क्योंकि इसका बहुत कड़वा आँख में लग रहा था, ये कम लगेगा। ये भी एक तरीका है जिससे आप प्याज काटे तो आँख में कम लगे। तो ये मैंने 4 डाला है, 4 लहसुन, इसलिए इसमें 4-5 लहसुन डाला है मैंने, क्योंकि ये मैं इसमें चिकन के अंदर डालूँगी क्योंकि इससे ना ये ना पक जाता है और इसको खाने में बहुत टेस्टी लगता है जो खाने में। और ये 4-5 प्याज के अंदर ही डाल दूँगी मिर्च को। और ये इतना का मैं पेस्ट बनाऊंगी, 4-5 लहसुन है और ये 3-4 मिर्च है और ये अदरक है एक। तो ये इतना सबको पेस्ट बनाऊंगी, मसाला ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसके अंदर, यही सब मसाला जो करेंगे इसके अंदर। और अब मैं सारे प्याज को कर लूँगी कट, बारीक बारीक कट कर लूँगी इसको। तो ये मैंने प्याज को कट कर लिया है और मैंने कम से कम 1 किलो से कम है मेरा प्याज क्योंकि 1.5 किलो से ऊपर मुड़ गया है। और ये मैं तेजपात फ़ोरन के लिए और ये मैंने इसके पास फ़ोरन डालूंगी, मतलब इसका ही फ़ोरन डालूंगी। और ये मैं अपने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, इसका बनाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मैं डालूंगी प्याज के साथ ही चाट जो टेस्टी लगता है। और ये 2 मैंने MDH का मसाला लिया है, चिकन मसाला। और इधर मेरा चिकन जो है मैं इसको और क्लीन करूँगी। चिकन के लिए सब चीज़ लगते हैं सब डाल के। अभी पहले डालूँगी मैं तेजपात इसके अंदर चाय का, एक तरफ में चावल भी बन रहा है। देखिए कैसे तेजपात हो गया है लाल। और मैं इसमें और इसमें डालूंगी मैं, अगर इसको लाल नहीं करूंगी, और इसमें डालूंगी मैं इसमें हम डाल देंगे अपना ये वाला 4-4 प्याज लाल हो जाएगा। उसको कलर प्याज का कलर जितनी जैसे जैसे फ्राई करते जाऊंगी वैसे वैसे प्याज का कलर ब्राउन होता जाएगा। देखिए कलर चेंज हो रहा है। तब तक मैं सारे लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये फ्राई हो रहा है, सो गाइस रिंकी दी ने तो बता ही दिया होगा कि क्या बना रही है, तो अब मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे देख रहे हैं आप प्याज का कलर बिल्कुल देखिए चेंज हो गया है। बस इतने में ही हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। गाइस डलेगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने ये तैयार कर रखी है, देखिए बस इससे ऐसे ही पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, दरदरा टाइप का पीसना है इसे।
ही था जिसमें पानी डाल दिया। अब हम करेंगे इसका मसाला तैयार। अब इसको डाल देंगे हम हल्दी। चम्मच मिक्स मसाला ये हमारा सब्जी मसाला है, दो ढाई। ये घर के बनाया हुआ लाल मिर्च पाउडर है जो हम लोग पहले में जो भी डालते हैं बता रखा था, हम लोग तीखा बहुत खाते हैं तो हम उस हिसाब से इसमें डालेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और सारे मसाले को कर देंगे मिक्स। नमक अपना स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, जितना आप लोग खाते हो उसी के हिसाब से डालिएगा। हमारे यहाँ चावल बन रहा है तो उस हिसाब से डालेंगे नमक। ये हो गया इसका मसाला डन। टमाटर भी कट किया है, ज़्यादा टमाटर नहीं डालते इसके अंदर। तो ये देखिए मेरा मसाला का कलर, मैंने सारा मसाला डालने के बाद देखिए मेरा ये देखिए इसके अंदर डाल दूंगी मैं चिकन, टमाटर और चिकन साथ में डलेगा इसके अंदर, पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा चिकन है, अब मैं इसको सारा को इसी के अंदर डाल दूंगी। इसको चलाऊंगी नहीं, डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे इसको। इसको मैं चलाऊंगी बिल्कुल भी नहीं और मैं इसको ऐसे ही ढक दूंगी क्योंकि ये ग्रेवी आएगा थोड़ा सा बस। तो ये ठीक 3-4 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर ध्यान रखिए कभी बनाइए, हम तो इसी तरीके से बनाते हैं, हम तो इसी तरीके से बनाते हैं, बाकी आप किस तरीके से बनाते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं अपना हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप कौन से तरीके से बनाते हो, अपना तरीका प्लीज हमें बताइएगा तो हम उस तरीके से ही बना के देखेंगे। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हम हर तरह की वीडियो लेके आते हैं। ये एक फैमिली चैनल है जिसमें आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे। देखिए पानी बिल्कुल नहीं डाली थी मैं तो इसके अंदर देखिए पानी कितना अपने आप आया है। इसलिए चिकन में बिल्कुल पानी डालते नहीं क्योंकि हमारे पास चिकन के पानी और जो हमारे प्याज धीरे धीरे गलता है ना फ्राई करते करते मसाले के अंदर, तो पानी उसी से काफी ज्यादा रहता है पानी। बस ऐसे करते करते ये से 1.5 घंटा लगता है बनाने में, तो बनते जाएगा। अब थोड़ा सा मैं करूँ गैस का फ्लेम थोड़ा तेज करूंगी क्योंकि अब हमें थोड़ा जल्दी है ना? तो ये देखिए कैसे हमारा बर्तन के ऊपर तेल आ गया है, मतलब कि ये हमारा बिल्कुल ही मैंने पानी इसके अंदर थोड़ा भी नहीं डाला था। देखिए आप चिकन कैसे ये हो रहा है, मतलब मेरा चिकन एक तरफ से पक गया है। तो ये हम 2 मिनट मसाला इसके अंदर कर देंगे क्योंकि ये मतलब इसके बिना चिकन अधूरा है, बिल्कुल ही अधूरा है इसके बिना चिकन, तो कोई मतलब नहीं चिकन का। चाहे अगर आपको ग्रेवी ज्यादा खाना है तो आप ग्रेवी डाल सकते हो पानी। पानी अब हम इसके अंदर डालेंगे घी, ये घी डालेंगे इसलिए जो थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ है जो थोड़ा कलर ही चेंज कर देगा। ये देख रहे हैं पूरे हमारे बर्तन के ऊपर तेल तेल हो गया है, सारा इस पर हम निकालेंगे अच्छे से। तो देखो राम राम से कीजिएगा नीचे जो ये देखा बहुत तेज पहले करेंगे हम इसको धीमी हूँ।
तो हम लोग इतने पे इसको करेंगे बंद, और लास्ट में हम इसको करेंगे ऐसे इसको कमेंट करके बताइएगा इसको देख के किसके किसके मुंह में पानी आ गया। ये वीडियो सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए है, चाहे कुछ भी हो नॉन वेज तो लोग खाते ही हैं। तो बस हमारा स्टाइल यही है, हम लोग ऐसे ही सब को कैसे ही खाते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हे गाइस, अब हमारा रिया देवी चक के बताएगी कैसा लगा गरमा कबाब। जल्दी बताइए कहाँ खाऊंगी, बढ़िया ना 2 मिनट के लिए। 1 2 3 एक्शन। तो हम इसे खा के और चक के देखेंगे कैसा बना। बता पानी आ रही है, मौसी मजा आ गया, मजा गाइस।